गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपना हिस्ट्री का लेसन जो है वो स्टार्ट किया है, फर्स्ट लेसन। और उस लेसन के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो था मिडिवल पीरियड के बारे में। तो लास्ट का जो टॉपिक था हमारा वो था सम फीचर्स ऑफ द मिडिवल पीरियड। इस टॉपिक के अंदर जो है हमने टॉपिक किए थे कि जो है मिडिवल पीरियड के जो कौन कौन से जो फीचर्स हैं। सबसे पहले तो हमने मिडिवल पीरियड को जो है टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक जो है अर्ली मिडिवल पीरियड और दूसरा था लेटर मिडिवल पीरियड। सेकंड हमने जो है फॉरेन कल्चर के बारे में जो है वो जाना था। थर्ड जो था हमारा टॉपिक की जो है वो कौन से सोर्सेज हैं जो मिडिवल पीरियड को जो ना हम जान सकते हैं उस पीरियड को अच्छे से, जिसमें आर्चोलॉजिकल, एपिग्राफिक, न्यूमिस्टिक्स और लिटरेरी, ये थे हमारे जो मीडियम ऑफ सोर्सेज। फोर्थ था अपना कि जो आउटसाइड से जो रूलर आए थे इंडिया के अंदर, फॉर एग्जांपल दिल्ली सल्तनत या मुगल रूल्स या फिर ब्रिटिश रूलर्स, इनके मीडियम से। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेजर हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, कि जो अपने मिडिवल पीरियड के जो कौन कौन से जो ट्रेंड्स थे उनके बारे में। सबसे पहले हम करेंगे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। तो इसके अंदर जो हमारे पास इंडिया के अंदर कौन कौन से जो धर्म थे और बाहर से कौन से लोग जो है इंडिया के अंदर आए हैं और उन्होंने कैसे जो है अपने हमारे धर्म को जो है अडोप्ट किया है, या फिर उन्होंने अपने जो रिलीजन थे जिस रिलीजन से वो आए थे उन्होंने हमें जो है ना उनको अडोप्ट करवाया, तो उनके बारे में हम जानेंगे। द इन्वेडर्स लाइक ग्रीक्स हु कम टू इंडिया इन द एशियन पीरियड फ्रॉड इंडियन रिलीजन हिंदुज़म और बुद्धिज़्म, दे अडोप्ट द इंडियन कल्चर एंड ड्रेसिस। ये कहता है कि सबसे पहले जो ना ग्रीक्स जो थे वो इंडिया में आए थे और उन्होंने यहाँ पर देखा कि हिंदुज़म और बुद्धिज़्म के जो धर्म है उनको देखा, तो उन लोगों ने जो है इंडिया के कल्चर और ड्रेसिस को जो है वो अडोप्ट किया, उन्होंने उसको स्वीकार किया। बट द तुर्कीज, अफगान्स एंड मुगल्स वो कम टू इंडिया ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड brought their own culture and religions like Islam with them। वो कहते हैं कि जो टर्कीज हैं, अफगानीज हैं, जो मुगल्स थे वो भी मिडिवल पीरियड के अंदर जो है इंडिया में आए थे और अपने साथ जो है वो क्या अपने साथ जो है वो इस्लाम धर्म को जो है वो लेकर आए थे, इस्लाम धर्म को। इस्लाम सेपरेट इन इंडिया, सिखिज्म ए न्यू रिलीजन वाज बोर्न। ये कहता है कि उस टाइम के अंदर जो है ना सिखिज्म है, सिख धर्म है, वो एक नया धर्म जो है बनकर निकला। लेटर क्रिश्चियनिटी आल्सो सेपरेट इन इंडिया, मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन हिंदुज़म बट इट रिमाइंड द मेजर रिलीजन सिस्टम विच द इंडियन सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन। उसके बाद कहता है कि इंडिया के अंदर जो ना क्रिश्चियनिटी जो ना वो आई थी, बट जो मेन जो चेंज था हिंदुज़म के अंदर वो था कि उनकी जो सोसाइटी की बेस्ड के ऊपर जो हमारे जो रिलीजन थे वो बंटे हुए थे। सेकंड है द कंपोजिट कल्चर एज ए रिजल्ट ऑफ कंस्टेंट इंट्रैक्शन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, ए कंपोजिट कल्चर बिगन टू डेवलप्ड इन इंडिया, इट रिफ्लेक्टेड इट सेल्फ इन लैंग्वेज, लिटरेचर, पेंटिंग, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, इट इज स्टिल एट इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ आवर हेरिटेज। ये कहता है कि जो हमारे जो रिलीजन थे उसमें ओल्ड और न्यू जो इंट्रैक्शन जो है ना वो उसमें एडिड हुई है, हमारे जो कल्चर है उसको हमने जो ना जो दूसरे कल्चर है उनको भी जो हमने अडोप्ट किया है, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो ग्रीक हो, चाहे वो
ब्रिटिश के हो या क्रिश्चनिटी हो, हमने उनको जो इंडिया के अंदर जो वो डेवलप्ड हुए है और उस कल्चर को जो हमने अडोप्ट किया है, और उनकी जो लैंग्वेज है, लिटरेचर है, पेंटिंग है, जो आर्किटेक्चर जो सिस्टम है, वो सब चीज़ें जो हमने अडोप्ट किया है। उसके बाद हमारा स्टेबल पीस, सम ऑफ द दिल्ली सल्तनत रूलर्स एंड द ग्रेट मुगल्स वर एबल टू प्रोवाइड स्टेबल पीस फॉर मैनी कंट्रीज। तो कहता है कि जो दिल्ली जो सल्तनत ने जो ना, फॉर लाइक एग्जाम्पल जो ग्रेट मुगल्स थे, उन्होंने पूरे कंट्री को जो ना अपने स्टेबल जो एक पीस या एक स्टेबल जो रूलर्स जो ना वो प्रोवाइड करवाया इंडिया को। नेक्स्ट है सूफीज़म एंड द भक्ति मूवमेंट। जो मिडिल पीरियड है उसके अंदर एक नया ही जो ट्रेडिशन जो स्टार्ट हुआ था वो था सूफीज़म एंड भक्ति मूवमेंट, टू ग्रेट रिलीजियस मूवमेंट। फर्स्ट है सूफीज़म एंड भक्ति मूवमेंट डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, दे हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग अबाउट गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हिंदुज़म एंड इस्लाम। ये कहता है कि जो सूफीज़म और भक्तिज़म जो है वो उन हिंदुज़म और जो इस्लाम है उनके दोनों बीच में जो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट की उन्होंने। इम्फेसिस वाज प्लेस्ड ऑन लव, ब्रदरहुड, होड, टॉलरेंस एंड यूनिटी ऑफ गॉड। और उन्हीं के द्वारा जो सूफीज़म है और जो हिंदुज़म है या भक्ति जो मूवमेंट हुए थे, उस मूवमेंट की वजह से जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो है आपस में उन्होंने जो है प्यार को बढ़ाया, और उन्होंने जो है यूनिटी ऑफ गॉड की तरफ जो है ज़्यादा अपना मोटिवेट रखा। नेक्स्ट है सोशल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल चेंजेस। एज इन द अर्लियर एज आवर सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू मैनी कास्ट एंड सब कास्ट, फॉर लाइक एग्जाम्पल जातीज, मोस्ट ऑफ द जातीज हैड देयर ओन रूल्स रिगार्डिंग मैरिज एंड बिहेवियर ऑफ देयर मेंबर्स। फ्रेंड्स ये कहता है कि जो मिडिल पीरियड था उस पीरियड के अंदर जो है सोसाइटी जो है वो अलग अलग बंटी हुई थी फॉर कास्ट एंड सब कास्ट के अंदर, और ये जो जातीज या कास्ट थी ये अपने अपने जो रूलर जो है ना वो फॉलो करते थे, और इसके रिगार्डिंग ही वो मैरिज और एक दूसरे के जो मेंबर उनके साथ जो बिहेवियर करते थे। इन द विलेज द पंचायत स्टेल्स सेटल्ड डिस्प्यूट्स एंड कलेक्टेड टैक्स। ये कहता है कि जो विलेज जो थे वहाँ जो पंचायत होती थी, और पंचायत ही जो ना जितनी भी जो डिस्ट्रीब्यूट होते थे आपस में अगर कोई लड़ाई झगड़ा जो हो जाता था उनको सॉल्व करती थी और टैक्स को जो है वो कलेक्टेड करती थी। देर वॉज ए जर्नल डिक्लाइन इन द स्टेटस ऑफ वुमेन। तो यहाँ पर जो है जो वुमेन्स है उनके लिए जो है ज़्यादा अच्छा स्टेटस नहीं था उस टाइम सोसाइटी के अंदर। पॉलीगैमी, पर्दा सिस्टम एंड सती वर सम ऑफ द कस्टम्स विच मार्क देयर लो स्टेटस। तो ये कहता है कि जो हम देखेंगे कि जो वुमेन्स हैं उनके लिए जो है ना एक रूढ़िवादी जो प्रथा थी उनके साथ, वो उनके ऊपर थोपी जाती थी। पर्दा सिस्टम था जिसको हम घूंघट सिस्टम, घूंघट भी बोल सकते हैं कि घूंघट, उनको घूंघट के अंदर ही उनको रहना होता था, पर्दा हमेशा पर्दे के अंदर ही उनको रखा जाता था। और सती प्रथा, सती प्रथा का मीनिंग ये है बच्चों कि जब एक विवाहित महिला का उसका जब पति जब वो मर जाता था तो उसके दाह संस्कार, जब उस की बॉडी को जो है दाह संस्कार किया जाता था तो उस औरत को उसके साथ ही जो है ना दाह संस्कार ही कर दिया जाता था जिंदा ही को, तो इसी को जो सती प्रथा कह जाते थे। तो ये सब चीज़ें जो है ना हम देखते हैं कि हमारे उस टाइम की सोसाइटी के अंदर जो है ना काफ़ी एक लो उनका स्टेटस माना जाता था। देर आर मैनी स्टोरीज अबाउट फेयरलेस राजपूत वॉरियर्स इन संस्कृत, द वर्ल्ड राजन मीन्स किंग एंड पुत्रा मीन्स सन। ये कहते हैं कि जो ना उस टाइम के जो राजपूत जो थे उनकी भी काफ़ी जो स्टोरीज जो है वो
राजपूत जो वॉरियर्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज देखने को मिलती है। संस्कृत लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, जिसका राजन का मतलब जो होता था वो किंग था, राजन का मतलब राजा और पुत्रा का मतलब पुत्र, यानी कि सन उनका मीनिंग था। द टर्म राजपूत इंक्लूडेड नॉट ओनली रूल्स बट द मेंबर्स ऑफ ए हिंदू मिलिट्री कास्ट क्लेमिंग क्षत्रिय डिसेंट। यहाँ कहता है कि जो राजपूत थे वो सिर्फ रूल्स के लिए ही जो नहीं माने जाते थे, बट वो अपने उनके एक जो ना एक अलग क्षत्रिय जो ना उनको मानते थे, जो कि एज ए मिलिट्री या एज ए सोल्जर जो ना वो उसके अंदर रहते थे। द मराठा सिक्स एंड जाट हैड आल्सो कम पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये कहता है कि जो मिडिल पीरियड था उसमें मराठा सिख और जो जाट थे वो पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग थे, और वो क्षत्रिय उनको माना जाता था, वो काफ़ी वरीयस और लड़ाकू जो ना टाइप के जो ना वो लोग होते थे, और अपने उस टाइम सोसाइटी के अंदर जो ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते थे वो। द प्रिंसेस एंड नोबल लाइव इन ग्रेट लग्जरी, दे हैड फाइन प्लेसेस एंड वोर कॉस्टली ड्रेस। जो राजा होते थे वो काफ़ी एक अपनी लग्जरी जो है वो जीवन जीते थे, और एक अच्छा जो जहाँ वो रहते थे वो बहुत अच्छे स्थान होता था, और साथ के साथ वो जो ड्रेस पहनते थे वो काफ़ी कॉस्टली होती थी। मैनी ऑफ देम कीप्ट सेल्फ्स हाउवर बोथ एंड सोल्ड एज दे लाइक। और उसके बाद कहते हैं कि बट वेयर डिड द वेल्थ ऑफ दिज रिच क्लासेस कम फ्रॉम। बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जितने भी जो अपने वो राजा जो थे वो अपने नीचे जो नौकर चाकर रखते थे, उनको जो दास प्रथा के अकॉर्डिंग जो है ना वो उनके नीचे वो लोग काम करते थे। इट कम फ्रॉम द कॉमन पीपल द पेजेंट द आर्टिशियंस एंड द ट्रेडर्स। उस टाइम जो ना कुछ कॉमन पीपल थे, जैसे पेजेंट जो अपने किसान हो गए, आर्टिशियन जो आर्टिस्ट हो गए, ट्रेडर्स यानी व्यापारी हो गए, वो भी जो ना वो उसमें काम करते थे। द कॉमन पीपल हैड टू पे सेवरल काइंड्स ऑफ टैक्स टू द लोकल लॉर्ड। और जो कॉमन पीपल थे वो काफ़ी ज़्यादा वो जो टैक्स देते थे जो लोकल लॉर्ड, जो उनके जैसे हम कह सकते हैं कि उनको जमींदार हैं, उनको जो है ना वो लोग टैक्स देते थे, वो टैक्स जो ना फिर आगे जाता था। पोटैटो चिलीज टी एंड द फ्यू अदर क्रॉप्स बिगन टू बी ग्रोन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस पीरियड के अंदर जो ना जो पेजेंट जो किसान थे वो पोटैटोज चिली जट्टी की जो ना वो एग्रीकल्चर जो वो करते थे उस पीरियड के अंदर। नेक्स्ट है हमारा राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर। कमर्शियल इंटरेस्ट ड्यू द इंग्लिश द फ्रेंच एंड द डच ऑफ इंडिया, इट अल्टीमेटली लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया इन द 18th सेंचुरी। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कहता है कि जो इंडिया के अंदर जो ना सबसे पहले जैसे मुगल और ये इस्लाम जो वो आए थे, उसके बाद में जो है ना इंडिया के अंदर कुछ क्रिश्चियनिटी भी जो ना इंडिया के अंदर एंटर की थी। फॉर एग्जांपल इंग्लिश जो थे, द फ्रेंच एंड द डच, बट इसके अंदर जो ना ब्रिटिश रूल जो थे वो ही अपने इंडिया के अंदर जो ना अपने रूल्स को जो ना वो इस्टेब्लिशमेंट जो है कर पाए ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।